फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं एशिया का सबसे लंबे प्रोजेक्ट KGS प्रोजेक्ट पे। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे KGS प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये है अपलाइन और इसके अपोजिट साइड है डाउनलाइन। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पियर और पियर कैप बन चुके हैं और ऐसा डेक स्लैब बनना अभी बाकी है। तो यहाँ पे डेक स्लैब का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। इसका काम कर रही है L&T जियो स्ट्रक्चर कंपनी, जो कि बनके कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 2024 तक। जिस प्लांट को जॉब वगैरह की ज़रूरत हो वो आ सकता है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कटनी जंक्शन का खंड ए है और यहाँ पे ट्रैक है। ट्रैक के दोनों साइड ब्रिज बन रहा है। ए है अपलाइन और इसके अपोजिट है डाउन लाइन। इसका मेन क्लाइंट इरकॉन है और ये काम कर रही है L&T जियो स्ट्रक्चर। फ्रेंड, अपलाइन का करीब देख सकते हैं आप 80% काम कंप्लीट हो चुका है और डाउनलाइन का अभी पियर और पियर कैप के बाद रेडी हुआ है। यहाँ तो आप देख सकते हैं पियर और पियर कैप के ऊपर यहाँ पे गाटर एरेक्शन के बाद डेक स्लैब भी हो चुका है। ये जो है ट्रैक अभी चल रहा है। ये आप रूट देखेंगे, इधर आप जाएंगे तो पड़ेगा सिंगरौली और इधर देखेंगे तो इधर पड़ेगा बीना। ये मध्य प्रदेश